गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं आंवला को स्टोर करके रख देती हूँ साल भर के लिए और फिर उसे यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, अपने खाने में। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि आंवला जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो उसके लिए आपके लिए रामबाण इलाज है आंवला। दूसरा, अगर आप आंवला खाने में इस्तेमाल करते हो तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो अगेन आपका वेट भी इससे रिड्यूस होता है और बाकी आप बीमार भी नहीं पड़ते हो, तो बहुत ज़्यादा फायदा ही फायदा है। कुल मिला के बात की जाए तो आंवला जो है गुणों की खान है। तो हमने अब इस आंवला को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे स्टोर करके रखना है पूरे साल भर के लिए, वही आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हमने आंवला को स्टोर करना है। तो ये अभी आप देख सकते हो कि आंवला मैं लेके आ गई हूँ और इसे मैंने डाल दिया है एक खुली सी मैट पे धूप में, ताकि मैं इसमें से जो ख़राब वाला आंवला है उसको निकाल करके साइड में कर सकूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे ब्लॉग चैनल को नहीं देखा है तो वहाँ पर भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंडियन यूट्यूबर बंदा भारद्वाज के नाम से है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आंवला को मैंने अच्छी तरह से फिर वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसे हल्का बॉईल में कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना बॉईल करना है कि इसकी गुठलियाँ आप आसानी से निकाल सकें। तो मैंने ये एक चूल्हे पे ही एक तरमैड में डाल दिया है पानी और उसमें आंवला को हल्का बॉईल किया और जितना आंवला मेरा निकलता जाएगा उसकी गुठलियाँ मैं अलग करती जाऊँगी। अगर थोड़ा हल्का गर्म आंवला से ही आप गुठलियाँ निकाल देते हो ना तो ईजिली निकल जाती हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद फिर अगर निकालने लगोगे तो थोड़ा सा फिर टिपिकल हो जाता है। इसलिए जब हल्का गर्म आपका आंवला है उसी टाइम पे आप इस गुठलियों को भी निकाल सकते हो। गुठलियाँ निकालने के बाद फिर आंवला को मैंने डाल दिया सूखने के लिए तेज़ धूप में और 10 से 15 दिनों में ही आंवला अच्छी तरह से सूख गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो ना, तो आंवला बहुत ही अच्छी तरह से अभी सूख चुका है, बिल्कुल भी नमी कोई भी मॉइस्चर इसमें नहीं रह गया है। इसके अलावा भी एक और तरीका मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जिससे आप आंवला को सुखा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि पहले बॉईल करो उसके बाद, तो आप वो वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो। तो ये अभी आप देख सकते हो, ये आंवला मैंने सुखा लिया है, अभी पूरी तरह से अच्छी तरह से सूख गया है। आप बोलते हो ना सूखता नहीं है, अगर तेज़ धूप हो तो ये बहुत ईजिली सूख जाता है। बारिश के दिनों में उठा देती थी और अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सूख गया है। तो इसका मैं बनाऊंगी पाउडर, ये मैंने बहुत ही मतलब सफाई से सुखाया है, तो ये मैं खाने में इस्तेमाल जो करती हूँ वो यहीं से स्टोर करके रखूँगी और बाकी जो मैं बालों के लिए यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी इसकी गुठलियाँ मैं निकालूंगी, इसे मैंने डायरेक्ट सुखाने के लिए डाला था, जैसे कि मैंने इस आंवला को भी मैंने डायरेक्ट ही सुखाने के लिए डाल दिया, इसे मैंने बॉईल नहीं किया है। तो इसे मैं बालों में यूज़ करती हूँ, फिर इसको अब थोड़े दिनों के बाद ये थोड़ा सा ना पीलक मतलब पीलक जैसा जाता है, थोड़ा सा जैसे बॉईल होता है ना, लाइकवाइज वैसे ही ये दिखाऊं आपको, तो ये देखिए थोड़े ही दिन में ये इस तरीके का हो जाता है ना, फिर इजीली इसकी गुठली अलग हो जाती है। ये देखिए इस तरह से अब इसकी गुठली अलग गई और ये जो पल्प रह गया इसको हम फिर से सुखाएंगे। तो आप इस तरीके से भी खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, साफ़ सफाई से खाने वाली चीज़ को यूज़ करना होता है। और बाकी ये मैंने फिर आंवला सुखा लिया है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, चाहे से आप बॉईल करके गुठलियाँ निकालो, चाहे से आप विदाउट बॉईल करके थोड़े दिन ऐसे ही धूप में डाल दीजिए आंवला को, फिर उसकी गुठली निकाल करके सुखाइए। तो अभी आंवला मेरा सूख चुका है और जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं इसे मिक्सर जार में पीस लूँगी। तो ये देखिए मैंने अब इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा का सारा जो आपका आंवला है उसको एकदम से आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट बिल्कुल ना करें। जो भी हमने आंवला सुखाया है उसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो और फिर बीच में एक आध महीने के बाद फिर से दोबारा थोड़ी थोड़ी धूप बीच बीच में लगाते रहिए उसमें, और जितनी आपको ज़रूरत है उतना फिर आप इसका पाउडर बनाते चलो तो आपके लिए बेस्ट रहता है। और इस तरीके से फिर आप इसे ईजिली स्टोर करके रख सकते हो साल भर के लिए। इसके अलावा भी आप आंवला की कैंडी बना सकते हो, अचार बना सकते हो, या फिर आप चटनी बना सकते हो, उसे भी काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हो। तो वो सब मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे भी शेयर किया है, तो ब्लॉग चैनल पे जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जैसा कि आपने देखा,
अगर आपको साल भर के लिए आंवला को स्टोर करना है तो सुखाना तो आपको पड़ेगा ही, और फिर सूखे आंवले को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, और जब आपका दिल करे तब आप थोड़ा सा निकालिए और उसको पीस लीजिए। एक साथ आपको ये पूरा का पूरा नहीं पीसना है, तो इस तरह से आप इसको फिर खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने इसे खुद बनाया है अपने हाथों से, तो आपको पता होगा कि नहीं ये बिल्कुल साफ सुथरा आपने तैयार किया है। तो इसी तरह का अगर आप आंवला स्टोर करते हो ना, तो उसी को खाने में इस्तेमाल करें, और जो मार्केट में मिलते हैं ना उन पे साफ लिखा भी रहता है कि इसको खाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो मार्केट में जब भी आप आंवला खरीदते हो इस तरह पाउडर फॉर्म में, तो उस पे देख लीजिए, उसके बाद ही आप उसे खाने में इस्तेमाल कीजिए। और जो आप इस तरीके से स्टोर करोगे अपना खुद का बनाया हुआ, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो खाने में भी। और अगर आपको फिर मोटापा घटाना है ना, तो मॉर्निंग में आप गर्म पानी के साथ एक चम्मच ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए ये, और आपके बालों को भी बढ़ाए, अच्छी ग्रोथ देगा, स्किन आपकी ग्लोई होगी, आपका वजन जो है वो भी घटेगा, साथ ही अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा तो बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो फायदे ही फायदे हैं, इसीलिए आप भी जरूर इसे स्टोर करके रखें। मैंने तो साल भर के लिए स्टोर करके रख दिया है। बस जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।